हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ हैं। हमारे आज की स्टोरी का टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुर्ग, जो कि इस चैप्टर का पार्ट टू है। पार्ट वन की स्टोरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सबसे पहले इस स्टोरी के राइटर का नाम है लोकेश एब्रॉल। गाइस, एक्चुअली में कुर्ग कर्नाटका का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोडागू भी कहते हैं। ये एक्चुअली में कोस्टल एरिया मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। राइटर कहते हैं ये स्वर्ग का छोटा सा टुकड़ा भगवान के यहाँ से आया हुआ है। ये कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस, मसालों और एवरग्रीन फॉरेस्ट की वजह से बहुत फेमस है। इस एरिया का 30% पार्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है। इस एरिया में आने का सबसे बेस्ट सीजन सितंबर और मार्च के बीच में है। यहाँ का मौसम बहुत ब्यूटीफुल है। हवा कॉफ़ी के फ्रेगरेंस से भरी हुई है। हर जगह ब्रिटिश कोलंबिया के ब्यूटीफुल पैलेसेस बने हुए हैं। कुर्ग के लोग इंडिपेंडेंट और ब्रेव हैं। वो लोग यूनानी और अरब वंश के हैं। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग सिकंदर के ट्रूप्स का एक पार्ट वापस नहीं आया और यहीं पे बस गया। उन्होंने लोकल पीपल के बीच में ही मैरिज कर दी। ये ट्रेडिशन ब्रेवरी के कस्टम से, मैरिज के कस्टम से और कुछ रिलीजियस प्रोग्राम से शो की जाती है। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये लोग बिलियनियर हैं। ये बात जो वो कोट पहनते थे वो शो करती थी। ये कोट बिलियनियर और कोट पीपल्स के तरह पहने जाने वाले खुफिया के फॉर्म में होते हैं। कुर्ग होम्स में हॉस्पिटैलिटी के कस्टम्स हैं। वो लोग बहुत ब्रेव है और उनके ब्रेवनेस के किस्से बहुत ज़्यादा फेमस है। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सबसे डेकोरेटिव रेजिमेंट है। इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल मिस्टर करियप्पा भी कुर्ग से थे। आज भी कोडागू के पीपल के पास लाइसेंस है कि वो बिना किसी परमिशन के फायर आर्म्स रख सकते हैं। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस भी हैं, जिनका मज़ा विजिटर्स और टूरिस्ट लोग ईजिली ले सकते हैं। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही रिवर है, जिसका नाम कावेरी है, और इसको भी अपना रिवर वाटर कुर्ग के माउंटेन से मिलता है। ये रिवर बहुत ही साफ पानी और महाशीर फिशों से भरा हुआ है। बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल भी दिखाई देते हैं। यहाँ बटरफ्लाई और हनी बीज नेचर को एक अलग ही स्वीटनेस देती है। कुर्ग के ब्यूटीफुल माउंटेन्स और रिवर्स पर बाइक राइडिंग, राफ्टिंग और ऐसे सब एडवेंचरस स्पोर्ट्स करने में मज़ा ही आ जाता है। यहाँ ट्रैकर्स को ट्रैकिंग के लिए बहुत ब्यूटीफुल एरिया मिल जाता है। ब्रह्मगिरी हिल्स के टॉप से पूरे कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का ब्यूटीफुल सीन देखने में तो मज़ा ही आ जाता है। पास ही में एक 64 एकड़ का आइलैंड भी है, जिसका नाम निसार डैम है। इस तक रोपवे के थ्रू जाया जा सकता है। यहाँ पे ट्रैवलर्स के लिए बाइलाकुप नाम की जगह बोनस के फॉर्म में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तिब्बतन मॉन्क्स हैं जो अपने रेड और येलो ड्रेसेस पे दिखाई देते हैं। वो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि ये मॉन्क्स विजिटर्स की तरफ से देखे जाने के लिए एक सरप्राइज़ के फॉर्म में। ये एरिया कुर्ग इंडिया के हार्ट और उसके सोल में फिक्स्ड है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोको और अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही लेना, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।